तो कुर्बानी के जानवरों के वो ऐब जिनकी वजह से कुर्बानी नहीं होती, नंबर एक, जानवर अंधा हो। अगर जानवर को नज़र नहीं आता तो ऐसे अंधे जानवर की कुर्बानी नहीं होती। नंबर दो, साफ तौर पर काना, कि एक आँख से काना हो, उसकी भी कुर्बानी नहीं होती। नंबर तीन, वो जानवर जिसकी तिहाई बिनाई जाती रही हो, इतनी बिनाई जाती रही हो कि वो सही देख ना पाता हो, सही चल ना पाता हो, तो उसकी कुर्बानी नहीं होती। नंबर चार, इतना लागर है और कमज़ोर है, हड्डियों में गूदा बाकी नहीं है, कि सूख कर हड्डियों का ढांचा हो चुका है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नहीं होती। नंबर पाँच, लंगड़ा जानवर और बहुत सख्त बीमार जानवर, उसकी कुर्बानी भी नहीं होती। नंबर छः, वो जानवर जिसका कान पूरा कटा हुआ हो, उसकी भी कुर्बानी नहीं होती। इसके अलावा वो जानवर जिसकी दुम पूरी कट गई हो, उसकी कुर्बानी भी नहीं होती। नंबर आठ, तिहाई से ज़्यादा कटी हुई चक्की वाला जानवर, उसकी भी कुर्बानी नहीं होती। नंबर नौ, वो जानवर जिसके पैदाइशी तौर पर कान ना हो, उसकी कुर्बानी भी नहीं होती। नंबर नौ, वो जानवर जिसके पैदाइशी तौर पर कान ना हो। नंबर दस, वो जानवर जिसका एक कान ना हो, उसकी कुर्बानी भी नहीं होती। नंबर ग्यारह, वो जानवर जिसके दांत बिल्कुल ही ना हो, उसकी कुर्बानी भी नहीं होती। नंबर ग्यारह, वो जानवर जिसके दांत बिल्कुल ना हो। और नंबर बारह, वो मादा जानवर जिसका थन कटा हुआ हो, उसकी कुर्बानी भी नहीं होती। नंबर तेरह, वो मादा जानवर जिसके थन खुश्क हो गए हों, उसकी कुर्बानी भी नहीं होती। नंबर चौदह, जिस जानवर की नाक कट गई हो, उसकी कुर्बानी भी नहीं होती। नंबर पंद्रह, ऐसा जानवर जिसमें नर और मादा दोनों की अलामत पाई जाए, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नहीं होती। नंबर सोलह, गिलाजत खोर जानवर जो सिर्फ अपनी गिलाजत पर गुजारा करे, उस जानवर की भी कुर्बानी नहीं होती, जो सिर्फ गिलाजत पर गुजारा करे। नंबर अट्ठारह, ऐसा जानवर जिसका एक पांव काट दिया गया हो, उसकी कुर्बानी भी नहीं होती। नंबर 19, दीवाना जानवर जो जनून की ज्यादती की वजह से चरता ना हो, यानी इतना दीवाना जानवर हो, मजनून हो, कि वो चरता भी ना हो और अपनी कमज़ोर हो गया ना चरने की वजह से, ना खाने की वजह से। नंबर 20, जानवर जो खुजली के बास लागर हो गया हो, ये भी एक मर्ज़ होता है खुजली का, जानवर जिसमें बिल्कुल खाना पीना वगैरह छोड़ देता है, तो उसकी भी कुर्बानी नहीं होती। नंबर 21, वो जानवर जो खुजली के बास इस कदर लागर हो गया हो कि हड्डियों में सींग बाकी ना रहे, उसका गोश्त वगैरह बिल्कुल ना हो। नंबर 21, वो जानवर जो खुजली के बाद इस कदर लागर हो गया हो कि हड्डियों में सींग बाकी ना रही हो। नंबर 22, जड़ से टूटे हुए सींग वाला जानवर, इसकी भी कुर्बानी नहीं होती। तो ये वो जानवर थे मस्कूरा 22 जानवर कि जिनकी कुर्बानी नहीं होती, उनके ये ऐब आपको बताए गए। तो जब भी कुर्बानी करने जाएं तो आप खुसूसी इन बातों को पढ़ें, इनका मुताला करें, बार बार पढ़ें, सुनें, देखें, ताकि हम अपनी कुर्बानी के जानवर को ख़रीदारी करने में कोई गलती ना करें, और जब गलती ना होगी तो हमारे कुर्बानी का जानवर बेहतरीन अंदाज में ज़िबा होगा, और यकीनन अल्लाह तबरताला हमारे उस जानवर की कुर्बानी जो हमने खुश दिली के साथ और तमाम तर उसके आदाब का ख्याल रखते हुए की होगी।